बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 में आज हम स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। सही। सो इसके अंदर हमारे पास दो कंसर्न टॉपिक हैं, एक स्पोर्ट एंड सेकेंड वन इज मूवमेंट। सो स्पोर्ट जो प्रोवाइड करेगा उसको हम स्केलेटन कहते हैं, ठीक है, जिसे ढांचा भी कहा जाता है। सही। सो इट इज़ अ फ्रेमवर्क, ठीक है, यानी एक समय कहने का फ्रेमवर्क होता है बॉडी के अंदर जो इससे तीन चीजें प्रोवाइड करता है। हम बात करते हैं, अच्छा मूवमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? मसल्स, ठीक है, कि मसल्स जो है वो मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, जबकि जो स्केलेटन होगा, ठीक है, जो कि बोन से बना होता है, हड्डियों से, ठीक है, हमारे अंदर खासतौर पर इंसानों के अंदर ये बोन से बना, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सही। और हम जरूरी नहीं है बोन से बना, इसलिए बोन्स में यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। सो स्केलेटन है तो आज हमारा जो बेसिक कंसर्न होगा वो स्केलेटन के बारे में होगा, ठीक है। मसल्स को हम अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सो एनिमल्स को जो स्पोर्ट देगा उसे हम स्केलेटन कहेंगे, और जो मूवमेंट में इन्वॉल्व होंगे वो मसल्स होते हैं हमारे। सही। सो स्केलेटन होता है क्या है? सही, इट इज अ टफ, ठीक है, यानी जिस तरह ढांचा नहीं होता, एक समय सख्त होता है, ठीक है, रिजिड, टफ या रिजिड एक चीज, सख्त होता है और रिजिड होता है, ठीक है। फ्रेमवर्क, टफ रिजिड फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, एक तो प्रॉपर्टी होगी टफ एंड रिजिड होगा। देन सेकंड वन इज फ्रेमवर्क इन बॉडी, सो इट इज टफ रिजिड फ्रेमवर्क इन द बॉडी। और इसने काम क्या करना होता है? दो काम होते हैं, एक तो ये प्रोटेक्ट करेगा, मतलब जिस तरह ये जो रिब्स होती हैं, आपको पता है जो आपके सीने की जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, छाती की हड्डियां, इनके अंदर दिल होता है, फेफड़े होते हैं, तो इससे बचे हुए होते हैं, ठीक है, इन्हें को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। सही। सो सबसे पहले इसका क्या काम है? टफ रिजिड फ्रेमवर्क इन द बॉडी प्रोवाइड्स, ठीक है, देगा ये सबसे पहले तो ये प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस चीज को देगा? टू इनर ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन टू इनर ऑर्गन्स, यानी इनर ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा क्या देगा? शेप देगा, जहरी बात है, जिस तरह का अंदर स्केलेटन होगा, मसलन जिस तरह का हमारा ढांचा, तो उसी तरह की हमारी शेप होती है, हमारे दो टांगे हैं, दो बाजू, ठीक है, दो हाथ, तो ये सारे स्केलेटन के पार्ट हैं, तो शेप टू बॉडी, ठीक है, तो प्रोवाइड शेप टू बॉडी। सो प्रोटेक्शन देगा इनर ऑर्गन्स के लिए, बॉडी को शेप देगा, एंड थर्ड वन जो सा होगा वो सपोर्ट होगा, ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट, सहारा देता है, ठीक है, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ढांचा ना हो तो हम खड़े नहीं हो सकते। सही। वो कैंट स्टैंड अप, इवन वो कैंट सिट, कि हम बैठ भी नहीं सकते। सही। सो सबसे पहले स्केलेटन था क्या? स्केलेटन इज अ टफ रिजिड फ्रेमवर्क इन द बॉडी, और ये करता क्या है? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इनर ऑर्गन्स, प्रोवाइड शेप टू द बॉडी, एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी, अगेन कि बॉडी को खड़ा करने में, कह लेंगे सपोर्ट प्रोवाइड करने में भी स्केलेटन का रोल होता है। सही। सो अब ये स्केलेटन के बारे में मजीद पढ़ते हैं। स्केलेटन कितने किस्म का हो सकता है? स्केलेटन आपके ख्याल में कितने किस्म का? आपको नहीं आइडिया तो मैं बताता हूँ, यानी इसकी तीन किस्में होती हैं, ठीक है। वन इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ठीक है जी। थर्ड वन इज एक्सोस्केलेटन, ओ सॉरी सेकंड वन है, मैं थर्ड वन कह गया, ठीक है जी, एक्सोस्केलेटन, एंड थर्ड वन आप इंडोस्केलेटन होगा, इंडोस्केलेटन, ठीक है। यानी स्केलेटन की तीन टाइप्स होगी, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन। सही। अगर हम यहीं से इनके जरा तोड़ जोड़ शुरू करते हैं, मसलन आपने नाम सुना होगा, मसलन हाइड्रो किसे कहते हैं? व्हाट इज हाइड्रो? हाइड्रो मीन वाटर, और स्टैटिक का मीन एट रेस्ट, ठीक है, यानी वाटर एट रेस्ट, यानी स्केलेटन ऐसा होगा जिसका लिंक किसी न किसी वाटर या कह रहे हैं फ्लूड टाइप मटेरियल के साथ होगा, ठीक है। दूसरा, एक्सो का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीन बाय एक्सो? इट इज आउटसाइड, ठीक है। इंडो का क्या मतलब होगा? इट इज इनसाइड, ठीक। सो ये तीन
यानी कह लेंगे जो इनकी डेफिनेशन के ऊपर ही इनकी सारी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। मतलब हाइड्रोस्केलेटन के अंदर वाटर रिलेटेड कोई स्केलेटन होगा, देखेंगे अभी क्या होता है। एक्सोस्केलेटन से क्या मुराद है कि ये कोई बाहर की तरफ कोई ऐसी चीज होगी जो स्केलेटन के तौर पर रोल प्ले करेगी। इंडोस्केलेटन से क्या मुराद जो बॉडी के इनसाइड होगी। इंडोस्केलेटन के एक एग्जांपल तो यहाँ पे आई है, मसलन हमारा जो ढांचा होता है जिस्म के अंदर होता है, सो इट इज एन इंडोस्केलेटन। ठीक है, ये स्केलेटन तो है लेकिन ये क्या है, इंडोस्केलेटन, यानी हमारे जिस्म का बाहर नजर नहीं आता है। ठीक है, अंदर खाल के अंदर क्या या मसल्स के अंदर ये छुपा होता है। सही, सो इट इज एन इंडोस्केलेटन। सो हम सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन और इसके एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मसलन ये आपको नजर आ रहा है एक अर्थवर्म। ठीक है जी, अर्थवर्म, अर्थवर्म का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सप्रेशन में भी पढ़ा था अर्थवर्म के बारे में। सो अर्थवर्म के सेंटर में एक बॉडी कैविटी होती है जिसके अंदर सिलोमिक फ्लूड होता है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, सिलोमिक फ्लूड, और वैसे ये सिलोम कहलाती है जो सारी बॉडी कैविटी है ना, ये इनसाइड इट इज सिलोम। मेरे क्या स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है इसमें, सॉरी, COELO, ये सिलोमिक कैविटी है और इसी तरह ये CO होगा, ये E, और ये सिलोमिक फ्लूड है। ठीक है, जो इस कैविटी के अंदर भरा होगा उसे हम सिलोमिक फ्लूड कहेंगे। सही, सो ये सिलोमिक फ्लूड ज्यादातर स्टेटिक कंडीशन में होता है यानी खड़ा रहता है। सही, और इसके इर्द गिर्द ये मसल्स हैं। सही, ये जो से मसल्स हैं ये सर्कुलर मसल्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। सॉरी, इसमें बल्कि ये वाले जो से मसल्स हैं ना, ये आपको साइड पे जो नजर आ रहे हैं इसके सर्कमफेरेंस के अंदर। ठीक है, ये सर्कुलर मसल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर मसल्स हैं सारे। और ये जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं, लाइक ये मैं रेड रेड कहता हूँ, ठीक है, दे आर कमिंग आउटसाइड। ठीक है, ये बाहर की तरफ आ रही हैं इस तरह। सही, ये हॉरिजॉन्टल मसल्स या लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कहेंगे हम इसे। सही, ये जो मसल्स, जो रेड वाले मसल्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल या फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। ठीक है, जो बॉडी के साथ साथ लेंथ वाइज होते हैं ये। ठीक है, और अगर यहीं से आइडिया लगाएं, मसल जो ये बाहर सर्कुलर मसल्स हैं, ये वाले जो मसल्स हैं सर्कुलर मसल्स, ठीक है, कि अगर सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी सुकड़ते हैं, सो इसका डायमीटर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि एकदम वहां से डायमीटर कम होगा, फ्लूड या तो आगे की तरफ जाएगा या फिर पीछे की, इस एरिया को छोड़ देगा। ठीक है, और यानी क्या लेंगे, अगर सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसका डायमीटर कम होगा। ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स डिक्रीज डायमीटर, यानी इसके जो डायमीटर है उसको बढ़ा, सॉरी कम कर देगा। ठीक है, जो ही सुकड़ेंगे मसल्स सो इसका डायमीटर कम होगा। दूसरा, ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये डिक्रीज इन लेंथ करेंगे, डिक्रीज इन लेंथ। सही, सो डिक्रीज इन डायमीटर जो कौन करेगा, सर्कुलर मसल, और डिक्रीज इन लेंथ जो कौन करेगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, डिक्रीज इन डायमीटर और डिक्रीज इन लेंथ दोनों के रिजल्ट के अंदर इसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरह की मूवमेंट होगी, लाइक इसकी यहाँ पे नीचे भी आपको नजर आ रहा है। सही, इसमें क्या था कि पहले इसका क्या लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी, सर्कुलर मसल के जरिए इसके डायमीटर को कम किया गया, लाइक दिस, ये डायमीटर कम हुआ है और वाटर आगे प्रोपेल हो गया। ठीक है, फिर आगे जाकर धिक्का लगाएगा, और यानी इसकी क्या लेंगे, धिक्का लगाएगा और इस तरह की चीज आगे की तरफ मूव करेगी। यानी होता क्या है कि पीछे से वेव सी बनती हुई आती है। ठीक है, मतलब ये वाली कॉन्ट्रेक्शन जो सी है ना, वो आगे ट्रेवल करेगी, ये। सही, और जब ये कॉर्नर तक पहुंचती है पीछे से एक और वेव आ जाती है, ये एंड सो ऑन, ये भी उसी तरह ट्रेवल करेगी। रिजल्ट में क्या होगा, जो वाटर है वो आगे की तरफ पुश लगाएगा। ठीक है, जो इसके अंदर वाटर है वो, मसलन ये वाटर जो ट्रेवल करते हुए यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक, फिर ये आ गया, और लास्ट में जाके ये इस तरफ
फोर्स लगाएगा, सही। सो इसके क्या लेंगे, वाटर की प्रोपल्शन की वजह से, ठीक है, वाटर प्रोपल्शन की वजह से जो सा ये जो अर्थ वहां में ये मूव कर रहा है, ठीक है, किसकी एग्जांपल है, अर्थ वार्म, जो कि किसकी एग्जांपल में आ रहा है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। सो इसमें क्या है कि दो किस्म के मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स, सही। जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, वाटर को आगे पुश करते हैं और एक वेव की तरह आगे की तरफ ट्रैवल करते हैं, ठीक है। यानी जो जो ये आगे जाएंगे ना, इनके सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट होते जाएंगे और वाटर फिर आगे ट्रैवल करेगा और आगे जाके वो एक पुश की कंडीशन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जो अर्थवार्म वो आगे की तरफ ट्रैवल करे। सो अगर अर्थवार्म की मूवमेंट को सिंगल लाइन में डिफाइन करें ना, सो इट जनरेट वेव, यानी लहर सी जनरेट करती है ऑफ वेव ऑफ अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग से क्या मतलब, बदलती हुई, अल्टरनेटिंग यानी अल्टरनेटिंग वेव ऑफ या वेव ऑफ अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कि जो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे आपको नजर आ रही कॉन्ट्रैक्शन एंड इलोंगेशन, इलोंगेशन इसकी वजह से अर्थ फॉर्म जो है वो मूव करता है। जो कॉन्ट्रैक्शन है और इलोंगेशन, यानी पहले कॉन्ट्रैक्शन होगी फिर वो इलोंगेट होगा, तो इस तरह एक पुश कंडीशन क्रिएट होती है जो वाटर इसके ऊपर एग्जर्ट करता है, ठीक है, इसकी वजह से अर्थ फॉर्म जो है वो आगे मूव करता है। इसके अलावा इसके अंदर ये सिटाई होते हैं छोटे छोटे, जिनसे आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर में, सिटाई, ठीक है, जिसके जरिए ये होल्ड करता है, ठीक है, कि एक दफा ये आगे जाता है वहां पे सिटाई अपने गाड़ देता है, ठीक है, वहां पे रोक देता है, जिसके जरिए फिर उसके सहारे फिर ये आगे की तरफ ट्रेवल करता है, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन को कम से कम रिड्यूस कर सके। इसी तरह एक और हाइड्रोस्टैटिक की एग्जाम्पल जो है ना वो सी एनीमोन है, ठीक है, इसमें भी टेंटेकल्स होते हैं, मसलन ये जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर टेंटेकल्स, सही, और इसके अंदर भी फ्लूड फील्ड हुआ होता है, ठीक है, यानी वही हाइड्रोस्टैटिक, जिस तरह हमने शुरू में कहा था ना, हाइड्रोस्टैटिक का क्या मतलब है भला, कि वाटर इन स्टैटिक कंडीशन, के वाटर इसके अंदर रुका हुआ होता है, सही, और एक किस्म का इसके अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से इसका बॉडी स्ट्रक्चर या कह लेंगे इसको सपोर्ट मिलती है, मूवमेंट भी इसी की मदद से करता है, टेंटिकल्स के अंदर ये वाटर लोड करता है और रिमूव करता है, लोड करता है रिमूव करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक कह लेंगे मूवमेंट जनरेट होती है, और इस तरह इसकी बॉडी पोस्चर और सारा सपोर्ट इसे मिलता है। सी एनीमोन करती क्या है कि भला ये माउथ के जरिए ना वाटर इंटेक करते हैं, यानी H2O इंटेक, और उसके बाद इससे अपने टेंटिकल्स में भेज देती है, लाइक दिस, टेंटिकल्स में जाकर ये प्रेशर जनरेट करते हैं, जिसके जरिए इसकी कह लेंगे बॉडी पोस्चर मेंटेन रहता है, सही। सो ये टेंटिकल्स में, अब ये वाटर कौन सा होगा, जाहिर बात है सी मैनी समंदर का पानी होगा, जिसके इनटेक करते हैं उसके बाद से टेंटिकल्स में अपने भेज दे, जिसके जरिए प्रेशर बिल्डअप होता है, ठीक है, जिसके वजह से इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है या पोस्चर होता है वो अपराइट सीधा रहता है बिल्कुल, ठीक। सो ये दो एग्जाम्पल्स होगी हमारे पास किसकी, हाइड्रोस्टैटिक की, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक हमने किस तरह डिफाइन किया था कि जिसके अंदर वाटर जो है वो स्टेशनरी रहता है, ठीक है, वाटर एट रेस्ट। सो वाटर एट रेस्ट, ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन किस में पाया जाता है, अगर हम सिंगल लाइन में कहें, सो इट इज प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट, ठीक है। अब इसके अंदर किसी के अंदर वर्टिब्रेट कॉलम आपको नजर नहीं आएगा, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी खास जोन से ना लाइक एनिलिड्स हैं, जिसके अंदर आपके अर्थवॉर्म्स आते हैं, ठीक है, फिर सेनिडेरियंस हैं, मतलब जिसके अंदर हमने सी एनीमोन पढ़ा, इसकी एग्जाम्पल में आता है सैनी, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, सी एन आई एस, सॉरी सैनिडेरिया, सी एन आई, ठीक है, सैनिडेरियन की क्या एग्जाम्पल है भला, सी एनीमोन। इस तरह और सॉफ्ट बॉडी जिसका मोलस्का होते हैं, किंगडम मोलस्का आपने सुना होगा, ठीक है, वो भी उसके अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, ठीक है। सो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन किस में पाया जाएगा, इनवर्टिब्रेट्स में, और इसकी एग्जांपल्स हमने कौन कौन से स्टडी की, अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म के केस में क्या था कि हमारे पास दो किस्म के मसल्स है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लाइक दिस जो उसके पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं, फिर सर्कुलर मसल्स हैं जो कि इसके इस तरह सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग फैले हुए होते हैं, ठीक। जो सर्कुलर मसल्स होते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये डायमीटर को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, और जब ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसके वजह से लेंथ में डिक्रीज आता है, ठीक है। सो इस तरह अल्टरनेटिव वेव से स्टार्ट होती है, ठीक है, अल्टरनेटिव वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन
एंड इलोंगेशन के जरिए जो सा ये अर्थ फॉर्म है वो मूव करता है। सो ये तो सारा था हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के बारे में। अब हम एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं। एक्सोस्केलेटन आपने आयरन मैन में भी सुना हो, देखा हो, ठीक है। सो ये फिल्मों में जो आते हैं आयरन मैन, तो बेसिकली इसने क्या होता है कि ह्यूमंस ने ये बाहर एक्सोस्केलेटन पहना होता है, ठीक है। ये पावरफुल एक्सोस्केलेटन है जिसके अंदर कह लेंगे एनर्जी बहुत ज्यादा है और मशीन्स हैं जो कि असेंबल हुए हैं उसके अंदर बंदा, ठीक है, यानी हीरो होता है। सो ये एक किस्म का एक्सोस्केलेटन है, ये एक्सोस्केलेटन की ही एक एप्लीकेशन है, ठीक। वैसे एक्सोस्केलेटन किसे कहेंगे, यानी एक्सो मीन समथिंग आउटसाइड, ठीक है। सो यानी ये वो कह लेंगे स्केलेटन है जो कि आउटसाइड होगा। और हमने स्केलेटन किसे कहा था कि फ्रेमवर्क, ठीक है, यानी रिजिड स्केलेटन से क्या मतलब था कि रिजिड फ्रेमवर्क, ठीक है, हमने शुरू में पढ़ा था। सो अगर रिजिड फ्रेमवर्क आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो सो वो एक्सोस्केलेटन कहलाएगा, ठीक है। यानी इफ रिजिड फ्रेमवर्क इज आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी को बाहर से कवर कर रहा होगा, उसे हम एक्सोस्केलेटन कहेंगे। और इसकी जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो है इंसेक्ट्स, ठीक है। मसलन ये पिल बग है, पिल बग, और ये इसका एक्सोस्केलेटन है, दिस वन इज एक्सोस्केलेटन, सही। और इस टाइम ये एक्सोस्केलेटन शेडिंग के प्रोसेस में से गुजर रही है, ठीक है, शेडिंग बाद में देखते हैं। सो ये एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है और कहाँ से आता है? सो बेसिकली सबसे पहले तो ये सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म, यानी जो बाहर वाली लेयर होती है ना, कह लें स्किन, जिस तरह हमारी स्किन है, इस तरह जो इंसेक्ट्स की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, जो कह लेंगे इनके एक्सोस्केलेटन के अंदर होती है, तो वो इसे सिक्रेट आउट करती रहती है, ठीक। और फिर ये बना किससे होता है, क्यूटिन, काइटिन का नाम सुना होगा आपने। इसके अलावा क्यूटिकल, यानी इसकी लेयर्स होती हैं, मसलन इसको चलो मजीद डिटेल से देख लेते हैं। सो ये है फॉर एग्जांपल, ये एक्सोस्केलेटन का एक इन्होंने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है जिसके ऊपर एपिक्यूटिकल है, फिर एक्सोक्यूटिकल, इंडोक्यूटिकल, और नीचे ये एपिडर्मिस स्टार्ट हो रही है, सही। सो क्यूटिकल्स की लेयर है, क्या है जी, क्यूटिकल्स की लेयर जिसके अंदर काइटिन होता है, ठीक है। मोस्टली इसके अंदर क्या होगा, काइटिन पाया जाएगा। अब काइटिन आपको पता होना चाहिए पॉलीमर है या पॉलीसेक्राइड कह लेंगे एक, ठीक है। और इसके अलावा पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, काइटिन एक काइटिन खुद भी एक पॉलीसेक्राइड है, लेकिन इस तरह के और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जिसके साथ ये जुड़ा होता है, ठीक है। और इसके अंदर डेपोजिशन होती रहती है मुख्तलिफ साल्ट्स की, मुख्तलिफ कह लेंगे मेटल्स वगैरह इसके अंदर मौजूद रहे। मसलन बाज़ुकात साल्ट्स के एग्जांपल हैं, बाज़ुकात इसमें कैल्शियम कार्बोनेट शामिल होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें आ सकता है। इसके अलावा प्रोटीन्स आ सकती हैं, ये हम बात करें यानी इन क्यूटिकल लेयर की, ठीक है। क्यूटिकल लेयर्स के अंदर मोस्टली काइटिन होता है, फिर इसके अलावा इसके एसोसिएटेड पॉलीसेक्राइड्स होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट समटाइम्स आ सकता है, ठीक है, हर टाइम नहीं समटाइम्स। इसके अलावा प्रोटीन्स होते हैं, सही। और ये जो क्यूटिकल होते हैं ना, क्यूटिकल एक्ट लाइक बैरियर, ठीक है, ये एज अ बैरियर एक्ट करती है, यानी बैरियर किससे करेगी, सबसे पहले तो अनवांटेड सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करेगी, अनवांटेड सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस को ये अलाउ नहीं करेगी उसमें से पास थ्रू हो। इसके अलावा बैक्टीरिया जो उनसे होते हैं जो कि डिजीज काज करते हैं, उनके लिए बैरियर के तौर पर एक्ट करेगी, सही। सो जो कह लेंगे एक्सोस्केलेटन होता है उसकी क्यूटिकल्स की लेयर्स होते हैं, इसमें एक एपिक्यूटिकल्स होती है, एक एक्सोक्यूटिकल या सॉरी इंडोक्यूटिकल कह लें, ठीक है, यानी एक्सोक्यूटिकल को आप इंडोक्यूटिकल का पार्ट कह सकते हैं। और ये क्यूटिकल की जो लेयर होती है किससे बनी होती है, काइटिन, पॉलीसेक्राइड, समटाइम्स साल्ट होते हैं, मसलन कैल्शियम कार्बोनेट आ सकता है, प्रोटीन्स हो सकती हैं, और ये मिलकर एक फ्रेमवर्क सा बनाती हैं, और इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द इंसेक्ट्स, ठीक है। और जिस तरह यहाँ पे आपको एग्जांपल आ रहा नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरह आपने काकरोच वगैरह में भी आपने एक्सोस्केलेटन देखा होगा। इसके अलावा अगर आप एक्सोस्केलेटन में देखें तो आपको ये रिंग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यानी एक्सोस्केलेटन के अंदर आपको मजीद रिंग्स या फिर सेगमेंटेशन नज़र आएगी, ठीक है, जो कि बॉडी में जिस तरह की सेगमेंटेशन होगी ना, जिस तरह यहाँ पे आपको बॉडी में सेगमेंटेशन नज़र आ रही है, सो इसी तरह इसके आगे इसके एक्सोस्केलेटन में भी सेगमेंटेशन है, सही। और एक्सोस्केलेटन सिक्रीट कहाँ से हो रहा था भला, सिक्रीटेड बाय
जो इसकी एपिडर्मिस होगी, ठीक है, जो ऊपर वाली एपिडर्मिस होगी, ठीक है, यानी ऊपर वाली सेल्स की तह होगी वो एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है, और मोस्टली अटैच्ड बाय, ठीक है, और ये जुड़ा होता है अटैच्ड बाय मसल्स, ठीक है, मसल्स जो कि मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ ये अटैच होता है, अटैचमेंट बनी होती है, सही। और इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है जिसको से शाइनी लुक देता है, ठीक है, यानी इसकी जो क्यूटिकल होती है या एपी क्यूटिकल जिसे कहेंगे, ऊपर वाली जिसमें तय होती है, इसके ऊपर लिपोप्रोटीन्स की तय होती है, ठीक है, लिपोप्रोटीन्स की लेयर होती है जो कि शाइनी होती है और प्रोटेक्ट करती है इसे डैमेज से। इसके अलावा इसके अंदर कह लें कि कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, एक्सोस्केलेटन के अंदर ही, जिसे सेंसिला का नाम दिया जाता है, सेंसिला, ठीक है, जिसके जरिए से ये सेंस करता है इनकमिंग डेंजर से या इनकमिंग एनिमी से, सही, और गैसेस एक्सचेंज की मॉडिफिकेशन होती है इसके अंदर, ठीक है, कि जो गैसेस होती हैं वो इजीली एक्सचेंज हो जाती है, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसके जरिए से गैस इसके बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, यहाँ पे मोस्टली होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे सुराख जिसके गैस इंटर होती है, ठीक है, और फिर अंदर लंग्स तक ये पहुँचती है। इसके अलावा इनके अंदर ज्वाइंट्स की मॉडिफिकेशन हुई हुई है बहुत ज़्यादा, कि इसमें नीचे वाली फिगर में भी आपको ज्वाइंट शायद नजर आए, कि जहां पे ज्वाइंट्स होते हैं ना, मतलब यहाँ पे ज्वाइंट्स है तो यहाँ पे सॉफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे कोई एक्सोस्केलेटन लोकेट नहीं करेगा, बल्कि ये सॉफ्ट पार्ट होगा जो कि इजिली बेंड कर जाएगा और इजिली मूव करेगा, सही। और इसमें ये मसल्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि इसकी कह लें कि मूवमेंट में या बेंडिंग में इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, ये तो हो गए जी इसके फायदे, यानी एक्सोस्केलेटन के जो फायदे हो गए, सही। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज? सो एक्सोस्केलेटन के साथ, ठीक है, विद एक्सोस्केलेटन एनिमल, यानी जो भी एनिमल है, यानी एनिमल तो नहीं होते, सॉरी, से एनिमल की जगह काट देते हैं, एनिमल इस टर्म में नहीं आते, इसे इंसेक्ट्स में डालते हैं हम, ठीक है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, सो इंसेक्ट्स जो से हैं वो कैन नॉट ग्रो, ठीक है, वो एक्सोस्केलेटन के साथ कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि अगर आपको बचपन से ही कोई लोहे का सूट पहना दिया जाए तो आप कभी बड़े नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि वो आपको हड्डी को या आपके जिस्म को बढ़ने ही नहीं देगा। सो सिमिलरली जो कह लें कि इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो सा एक्सोस्केलेटन होता है वो उनकी कह लें कि लंबाई में या चौड़ाई में इजाफे से रोकता है, तो फिर इसका इसका हल क्या होता है कि इन्हें फिर साल के किसी ना किसी हिस्से के अंदर इससे रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, एक्सोस्केलेटन की शेडिंग होती है, और ये प्रोसेस यहाँ पर फिगर में भी नजर आ रहा है कि ये जो पिल बग है ये अपना एक्सोस्केलेटन शेड कर रहा है, शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, ठीक है, और इस प्रोसेस का इनका स्पेशल नाम भी है जिसे हम एक डाइसिस या फिर मोल्टिंग कहते हैं, MOULTING, सही, एक्डाइसिस और मोल्टिंग, ये क्यों किया जाता है? क्योंकि विद एक्सोस्केलेटन कभी भी जो है वो इंसेक्ट ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। इसकी कोई एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, मसलन ये आपको नजर आ रहा है, ये जो स्कॉर्पियन है, ठीक है, दिस वन इज स्कॉर्पियन, या जिसे बिच्छू कहा जाता है नॉर्मली, ठीक है, ये अपना एक्सोस्केलेटन शेड कर रहा है, शेडिंग का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे भी। अच्छा, जब ये शेड करता है ना, यानी जब शेडिंग हो रही होती है, सो इट इज वेरी कह लें कि सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू बी प्रेड, ठीक है, कोई भी इसका शिकार कर सकता है, सही। सो फिर से आपने शिकारियों से बच के रहना पड़ता है, इस टाइम ये कह लें कि छुप कर गुजारता है, ये जो पीरियड होता है जब ये एक्डोसिस या फिर मोल्टिंग कर रहा होता है, इस टाइम ये छुपा होता है, सही। सो इट इज वेरी सेंसिटिव कह लें कि, या वोलनरेबल होता है, वोलनरेबल से मतलब काबिले रहम, ठीक है, यानी इस टाइम कोई भी इस पे हमला कर सकता है। अब हम इसके एक्डाइसिस की स्टेजेस पढ़ते हैं, यानी जो एक्डाइसिस होती है इसकी स्टेजेस कितनी है। सो सबसे पहले क्या होगा कि ये वाला जैसे तय है जिसे हमने एपिडर्मिस कहा था, इसमें से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ठीक है, यानी पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप एपिडर्मिस विल रिलीज एंजाइम्स, ठीक है, ई फॉर एंजाइम्स। देन सेकेंड स्टेप क्या होगा, यही एंजाइम्स जो से वो डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, जो प्रोक्यूटिकल है या जो इंडोक्यूटिकल है उसको डाइजेस्ट करेंगे, प्रो क्यूटिकल को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, जो इसके एक तो होते हैं ना एपिक्यूटिकल ऊपर वाली जो होता है उसके नीचे जो प्रो क्यूटिकल उसको डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे, और डाइजेशन के साथ साथ, डाइजेशन हो रही होती है साथ साथ सिक्रीशन भी हो रही है, सिक्रीशन
of new cuticle, ठीक है, cuticle layer की excretion start हो जाती है, कि ये साथ साथ नई नए cuticle भी बनाने लग जाता है, सही। So पहले क्या होगा, capidermis से enzymes release होंगे, ठीक है, ये enzymes जो से हैं वो digest करेंगे, release enzymes digest procuticle, ठीक है, जिसकी वजह से क्या लेंगे, ये ऊपर वाला exoskeleton का वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा एपिडर्मिस से, जाहिर बात है वो नीचे से जब डाइजेस्ट करेंगे काटेंगे सिलसिले को तो वो अलग होना शुरू हो जाएगा, ठीक। फिर सेकंड स्टेप में क्या था, डाइजेस्ट प्रोक्यूटिकल, और उसके बाद क्रिएशन ऑफ न्यू क्यूटिकल लेयर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। और फिर थर्ड स्टेप में ये होगा कि पोर्स इन ओल्ड क्यूटिकल, यानी जो पुराना क्यूटिकल है उसके अंदर छोटे छोटे सुराख हो जाएंगे, सही, क्यूटिकल और फॉर्म कर लो, ठीक है, कि बनते हैं उसके अंदर। और लास्ट में जो फोर्थ स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि जो नया स्केलेटन होगा, ठीक है, न्यू स्केलेटन, उसके अंदर डिपोजिशन होगी, डिपोजिशन, डिपोजिशन से मतलब उसके अंदर चीज ऐड होगी ऑफ सोडियम, सॉरी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, उसके अंदर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम CaCO3, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 की डिपोजिशन स्टार्ट होगी, जिससे वो हार्डन्ड हो जाएगा, ठीक है। सो ये फोर स्टेप्स हैं जिसके जरिए एक्सोडोसिस होता है। सबसे पहले एंजाइम्स रिलीज हुए जिसने डाइजेस्ट करना शुरू किया, और फिर न्यू क्यूटिकल लेयर भी स्टार्ट क्रिएट होना शुरू हुई, फिर उसके अंदर पोर्स बन गए पुराने क्यूटिकल के अंदर, वो सेपरेट हो जाते, ठीक है, एंड सेपरेटेड भी लिख सकते हैं, एंड सेपरेट, एंड न्यू स्केलेटन जो सा होगा, न्यू ये सिर्फ स्केलेटन नहीं है, एक्सोस्केलेटन कह रहे हैं, न्यू एक्सोस्केलेटन होगा, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। सो इसके बाद हम जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा, क्योंकि हमारा लेक्चर का टाइम काफी ज्यादा होता जा रहा है। सो हमने स्टार्ट लिया था स्पोर्ट एंड मूवमेंट जनरल इंट्रोडक्शन से, तो हमने कहा जिस स्पोर्ट जो उनसे है वो स्केलेटन प्रोवाइड करेगा, तो मूवमेंट के अंदर मसल्स इन्वॉल्व होंगे। स्केलेटन होता है क्या, टफ रिजिड फ्रेमवर्क इन द बॉडी, बॉडी के अंदर फ्रेमवर्क होगा, इसके अलावा इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, इनर ऑर्गन्स, बॉडी को शेप देगा, बॉडी को सहारा देगा, सही, इसकी एग्जाम्पल ये थी। फिर हमने इसकी टाइप्स की, तीन टाइप्स थी, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ठीक है, जिसमें वाटर एट रेस्ट था, यानी वाटर की वजह से बनता है, फिर एक्सोस्केलेटन जो कि बॉडी के आउटसाइड होगा, फिर इंडोस्केलेटन जो बॉडी के इनसाइड होगा। हमने आज दो डिटेल से पढ़े, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन अभी शुरू में बता देते हैं, ये दोनों हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन और एक्सोस्केलेटन ये इंसेक्ट्स में थे, और इंसेक्ट्स भी इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आता है, ठीक है, ये चीज़ में रखनी है आपने, कि इन दोनों के अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो एनिलिड्स, यानी अर्थवर्म वगैरह की कैटेगरी में, सैनिडेरियन जिसके अंदर हमने सी एनिमोन की एग्जाम्पल दी, इस तरह सॉफ्ट बॉडी जो से होते हैं जिनकी सॉफ्ट टिश्यू होती है, सॉफ्ट बॉडी जिसका मोलस्का है, उसके अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद होता है, ठीक। फिर हमने अर्थवर्म को थोड़ा डिटेल में स्टडी किया, कि हमने कहा जी अर्थवर्म के अंदर बेसिकली दो किस्म के मसल्स होते हैं, एक इसके सर्कुलर मसल्स हैं और फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, सही। जो सर्कुलर मसल्स हैं वो इसकी कह लें कि डायमीटर में कम करते हैं, ठीक है, सॉरी ये जो सर्कुलर मसल्स हैं ये इसके डायमीटर को कम करेंगे, ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है वो इसकी लंबाई को कम करेंगे, ठीक है, यानी एक डिक्रीज इन डायमीटर में इन्वॉल्व हो रहा है सर्कुलर मसल्स, और एक डिक्रीज इन लेंथ में। इन दोनों की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के जरिए हमारे पास एक अल्टरनेटिंग वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन और इलोंगेशन रिसीव होती है, जिसके जरिए से मूव निकालें कि अर्थवर्म आगे मूव करता है, ठीक है। इसके क्या मसलन कि जब एक दफा कंट्रेक्शन का फेज आता है ना, तो वाटर एकदम आगे की तरफ पुश होता है, ठीक है। फिर मसलन यहाँ पे मैं एक दफा फिर बताऊँ, मसलन ये जब पुशिंग है ये इस वाटर के लिए, और ये वाटर आगे जाके यहाँ पे फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये आगे एकदम धकेला, इसे धिक्का महसूस होगा, जिसकी वजह से ये आगे ट्रेवल करेगा। और फिर इसके नीचे सिटाई होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि जमीन पे खुप जाते हैं, जो भी फरेश वगैरह उस पर कह लें कि पेनिट्रेट हो जाते हैं, और उसके बाद वो फ्रिक्शन की वजह से आगे की तरफ जो है घसीटा जाता है, कह लें किस्म का, ठीक है, ये घसीट घसीट के आगे चलते हैं, सही। सी एनिमोन की एग्जाम्पल थी, उसमें भी टेंटिकल्स थे, तो हमने कहा जी कि वाटर इनटेक होगा, वो टेंटिकल्स के अंदर एकदम कह लेंगे टेंशन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से मूव करेंगे। उसके बाद एक्सोस्केलेटन की बात करें, तो हमने कहा जी को ये बॉडी के आउटसाइड होता है, हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये ज्यादातर इंसेक्ट्स में पाया जाता है,
इन सेट्स के अंदर एक्सोस्केलेटन के अंदर आपको रिंग सेगमेंटेशन नजर आएगी जिस तरह की बॉडी के ऊपर होता है, एपिडर्मिस से सीक्रेट होगी, मसल इसके साथ अटैच होंगे, सेंसरी ऑर्गन्स ठीक है, सेंसिला इसके साथ होगा ठीक है, गैस एक्सचेंज के लिए इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख ठीक है, पोर्स मौजूद होते हैं, फिर इसके साथ ज्वाइंट्स की मॉडिफिकेशन है कि ज्वाइंट्स खास किस्म के बने होते हैं। फिर हमने देखा कि जो लेयर है एक्सोस्केलेटन की किससे बनी होती है, इसमें एपिक्यूटिकल है और इंडो क्यूटिकल ठीक है, इंडो एक्सो क्यूटिकल। सो जो एपिक्यूटिकल है इसके अंदर ये बैरियर होता है ठीक है, कि अनवांटेड सब्सटेंसेस को ये अंदर नहीं एंटर होने देता ठीक है, इसमें लिपोप्रोटीन होती हैं, चीज मैंने शायद आपको बताई हो शुरू में, लिपो प्रोटीन शामिल होती हैं सही। सो ये बैरियर है जिसके अंदर लिपो प्रोटीन्स हैं और ये अनवांटेड सब्सटेंसेस को रोक लेती है ठीक है। जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने में भी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हो फर्स्ट ईयर के अंदर, तो सेम वही तरीका कार होता है इसका कि अनवांटेड सब्सटेंसेस में से पास नहीं हो सकते ठीक है। इसके अलावा जो इसका कह लें कि इंडोस्क्यूटिकल है, इंडोक्यूटिकल वो काइटिन से बनी होती है और पॉलीसेक्राइड्स के साथ अटैच होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर डिपॉजिट होता है और प्रोटीन्स होते हैं कुछ। जॉइंट्स के अंदर ये होता है कि सॉफ्ट एरिया होता है जॉइंट्स का जो कि इजीली मूव कर सकता है, अदरवाइज जो सा एक्सोस्केलेटन है बहुत हार्ड होता है ठीक है। सो जॉइंट वाली लोकेशन के ऊपर एक्सोस्केलेटन मौजूद नहीं होता जिसकी वजह से ये मूव कर पाते हैं आराम से सही। फिर उसके बाद हमने एक्डोसिस के ऊपर हमने डिटेल से पढ़ा के जो शेडिंग हो रही थी ठीक है, ऊपर भी हमने देखा जो पिल बग था वो अपना जो सा है वो एक्सोस्केलेटन वो रिमूव कर रहा है सही। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि इंसेक्ट्स अगर एक्सोस्केलेटन के अंदर रहेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाते, अपने साइज में इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, तो साइज में अगर इंक्रीज करना है तो उन्हें ये शेड करना पड़ेगा ठीक है। सो इसकी फिर चार स्टेप से, सबसे पहले एंजाइम्स क्रिएट आउट होंगे जो कि डाइजेस्ट करेंगे प्रोक्यूटिकल को या एपिक्यूटिकल को सही, सॉरी इधर प्रोक्यूटिकल नहीं आएगा, ये इंडोक्यूटिकल होगा, इंडोक्यूटिकल होगा, ये भी ओल्ड वन ठीक है, ओल्ड इंडोक्यूटिकल को ये डाइजेस्ट करते हैं सही। एपिडर्मस विल रिलीज एंजाइम्स विच विल डाइजेस्ट ओल्ड इंडो क्यूटिकल सही, और उसके बाद न्यू क्यूटिकल लेयर सेक्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और फिर जो ओल्ड क्यूटिकल उसमें पोर्स बन जाएंगे डाइजेशन की वजह से और वो रिमूव आउट हो जाएगी बॉडी से, और न्यू एक्सोस्केलेटन के अंदर डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगी, ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा ठीक है। सो इस तरह ये एक्डिसिस का कह लेंगे फेजेस होते हैं। सो ये आज हमारा हो गया हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, नेक्स्ट हम इंडोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।